नमस्ते। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं ये पर्ल टॉप। इसके लिए मैंने ले ली है चेन। बाय द वे, ये जो मैं चेन यूज कर रही हूँ वो है बैक की चेन। मैंने टोटल ऐसी 2 चेन ली थी। और हाँ, इसको कट करना एक्चुअली में बहुत ज्यादा मुश्किल था। और हाँ, अगर आप ये रिक्रिएट करना चाहते हो तो आप अपनी बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेन को कट करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया है। अब मैं एक टॉप ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं ये जो चेन है उसको अरेंज कर रही हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। इसे अरेंज करने के बाद जो नेक वाला पोर्शन है और जो ये बीच वाली जो लाइन है जो चेस्ट के मिडल में आएंगी, उन दोनों को हमें जॉइंट करना है। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि ये चेन बहुत हार्ड थी, तो मैंने एक ज्वेलरी टूल की मदद से इसको ओपन किया है और ये चेन इसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगी और इसे अच्छे से लॉक करना है। और मेरी तो हवा टाइट हो गई थी क्योंकि मेरा वजन भी कम है और ऊपर से इसको टाइट करना था तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और हमारा जो आर्म होल वाला एरिया है उसको भी इसी तरीके से हमें चेन से लॉक कर देना है। तो चलो, ये मेहनत वाला काम तो हो गया है, अब हम लगाएंगे इसके अंदर पर्ल्स। तो मैंने लिया है यहाँ पे नायलॉन थ्रेड और पर्ल। और हाँ, इसके शोल्डर के नीचे से की साइड से हमारे पर्ल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वायर लगा दिया है जिससे हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाए, शोल्डर वाला जो एरिया है उसके नीचे से हमें कहाँ से पर्ल लगाना स्टार्ट करना है वो वाला एरिया। अरे, मैं बहुत दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं आज फंबल कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। नायलॉन थ्रेड को हमें नोट कर देना है और फिर उसके अंदर पर्ल इंसर्ट करना है और बीच में से निकाल के ऐसे ही हमें रिपीट करते जाना है। और नीचे जाते जाते हमें पर्ल्स थोड़े से ज्यादा ऐड करना है जिससे हमारी एक लेयर बन जाए। ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है, अब हम बनाएंगे इसके नीचे हैंगिंग। तो मैंने यहाँ पे जो सेम पिक्चर था उससे थोड़ा सा अलग मैंने यहाँ पे ट्राई किया। मैंने ले ली है चेन और पर्ल्स, अब उसे इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। चाहे तो जंपरिंग की मदद से भी इसको हैंग कर सकते हैं और आप चाहे तो स्टिच कर सकते हैं। मैंने लास्ट में इसको स्टिच ही किया था। देखो, फिर से मैंने बीच में बोलने में गड़बड़ कर दी। अरे हाँ, मैं बीमार हूँ और मेरी दवाइयाँ चल रही है, शायद इसी वजह से मेरी जुबान जल्दी नहीं चल रही। और बैक साइड के लिए भी एक चेन हमें इंसर्ट करनी है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लो भाई, हमारा पर्ल टॉप हो गया है रेडी। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।